नमस्कार। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि दुआ कितनी इम्पॉर्टेंट है। मैं जैसे कल परसों साइकिलिंग के लिए जा रही थी और सर्कल आया चौराहे पे, क्या हुआ कि एक अच्छी खासी जो कार थी, काफ़ी बड़ी सी, उसने गाड़ी स्लो कर दी। यूजुअली क्या होता है कि जो फोर व्हीलर्स होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले होते हैं, ऐसा नहीं करते। इनफैक्ट उनकी स्पीड उतनी ही रहती है। और मतलब मैं गाड़ी नहीं चलाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन एक बार कह रहे थे कि फिर भी इसको पता है कि मूड वगैरह आए तो गाड़ी स्लो करनी होती है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। बट उस कार वाले ने गाड़ी एकदम आराम से कर ली और आराम से साइड से लेके आया। और लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मेरे दिल से इतनी दुआएं निकली उसके लिए कि मतलब ऐसा ही सेंस होना चाहिए। और ऑब्वियस ही बात है कि जो दुआएँ मैंने दी होगी कहीं ना कहीं लगेंगी भी। तो बेसिकली है कि पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं वो कहीं ना आपकी व्यर्थ नहीं होती हैं। दुआएँ जो हैं कभी भी व्यर्थ नहीं होती हैं। और आजकल के टाइम में, इस कलयुग में, तो यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दुआएं लें। कहते हैं ना, दुआ में याद रखना। तो ऑब्वियस ही बात है कि आप किसी को, मतलब ज़रूरी नहीं कि इस मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में आप मटेरियल ही दें, इस तरह से दें, लेकिन अगर आपके दिल से दुआ किसी के लिए निकले तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है 90% या उससे भी ज़्यादा ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि वो बद्दुआ कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो उस सिचुएशन में अगर इस तरह के लोग हों तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी यही दुआ है कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों जो अपने सेंसेस को जागृत रखें, अवेक रहें। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।